गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल कैरियर जंक्शन। कंडीशन के थर्ड एपिसोड में आप लोगों का फिर बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल का सेकेंड पार्ट, और उसके पहले पढ़ा था कंडीशनल का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में केवल इंट्रोडक्शन था, सेकेंड पार्ट में एक्शन वाले कंडीशंस के कुछ रूल्स थे। अब एक्शन वाले कंडीशन के कुछ रूल्स में हम लोगों ने तीन चीजें देखी थी, और वो तीन चीजें क्या थी, एक मिनट के लिए इन्हें दोहरा लेते हैं। इफ के साथ हम तीन कैटेगरी में आए थे। इफ के साथ जो पहली कैटेगरी थी वो थी प्रेजेंट इनडेफिनिट की। क्या था? प्रेजेंट इन डेफिनेट की। प्रेजेंट इन डेफिनेट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में एस ए एस लगा हुआ हो, ठीक। और ये था मेन क्लॉज, ये कंडीशनल क्लॉज हो गया, ये मेन क्लॉज हो गया। और हमारा दूसरा जो पैटर्न था वो था इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट का। दूसरा था इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट का। तो इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और तीसरा पैटर्न हमारा था इफ के साथ पास्ट परफेक्ट का। तो इफ के साथ पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हैड होगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये तीन पैटर्न हम लोगों ने कल इसके देखे थे। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा नीचे है। तो पहले वाले पैटर्न के साथ मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या था? पहले वाले पैटर्न मतलब जब इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा होता है तो मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या था? मेन क्लॉज के स्ट्रक्चर में था कि सब्जेक्ट के साथ यहां फ्यूचर टेंस होना है। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या हुआ? विल लगा हो, या जरूरत पड़ी तो कैन भी हो सकता है, और किसी किसी कंडीशन में मे भी हो सकता है, उनके साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा वाला एक के साथ पास्ट इंडेफिनिट है, तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो मेन क्लॉज कैसे होगा? मेन क्लॉज में यही विल की पास्ट टेंस हो जाएगी, तो विल की पास्ट टेंस क्या होती है? वुड। कैन की पास्ट टेंस क्या होती है? कुड। और मे की पास्ट टेंस क्या होती है? ये होती है माइट। और इन सबों के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा है पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट का मतलब हुआ हैड के साथ, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, जब सेकेंड फॉर्म लगी थी तो विल की सेकेंड फॉर्म हो गई वुड और कुड। जब थर्ड फॉर्म लगेगी तो इसी वुड और कुड की परफेक्ट टेंस बना दिया जाएगा। तो अब ये जब वुड कुड की परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो ये बनेगा क्या कि सब्जेक्ट के साथ वुड हैव हो जाएगा, या फिर अगर कंडीशन बनती है तो कुड हैव होगा, या अगर माइट की कंडीशन बनती है तो माइट हैव होगा, और इन सबों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ये एक स्ट्रक्चर था कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक्शन के साथ कंडीशन होगा। तो ये आज इसके थर्ड वाले पार्ट को सेकेंड वाले पार्ट से कनेक्ट करने के लिए इतना हमें आज बैक जाना था, ताकि कल की क्लास से और आज की क्लास में कनेक्टिविटी हो सके। तो इसे आप लोग कल तो नोट किए ही होंगे, और आज चाहे तो फिर से नोट कर लीजिए, बस इतने में ही आज समझाएंगे और ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। चलिए, कल की क्लास को आज की क्लास से कनेक्ट कर दिया, और आज की क्लास रह गई है किस बात की? कि हम आज बताने वाले हैं कि कंडीशनल में जब हम विश स्ट्रांग विश या इमेजिनेशन की बात करते हैं तो अब अगली क्लास में चलते हैं हम लोग, आज वाली क्लास में।
अब जो कल हम लोगों ने खत्म किया था इसके साथ दो और बेसिक बातें मैंने बताई थी। तो दो बेसिक बातें मैंने क्या बताई थी वो शायद आपको याद होगा, नहीं तो मैं एक बार और याद दिला दूं। वो एक बात ये थी कि अनलेस के साथ फिर कभी नॉट नहीं लगता, और दूसरा इफ कंडीशनल्स, या हम ये कहें कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज में अब इफ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां इनकेस वगैरह भी हो सकता है। तो कंडीशनल क्लॉज के साथ कभी विल, शैल या कोई दूसरी मॉडल वर्ब, ठीक है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं होगी। नॉट अनलेस के साथ नॉट नहीं रख सकता, और कंडीशनल क्लॉज है अगर, मतलब कि इफ वाला है, अनलेस वाला है, या फिर इन केस लगा है, अनकंडीशन है, प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड दैट है, ये सब कुछ अगर है किसी के साथ, तो ना विल लगेगा, ना शैल लगेगा, और ना ही कोई दूसरी मॉडल वर्ब लगेगी, और कुछ लग नहीं सकता। कंडीशनल क्लॉज के साथ यहाँ हम लोगों ने केवल तीन पैटर्न देखा था, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, या तो पास्ट इंडेफिनिट, या तो सिर्फ पास्ट परफेक्ट। बस ये दो रूल्स थे कल के, वो भी हम लोगों ने दोहरा लिए क्योंकि इसी से एरर ज्यादा पूछी जाती है। आज आप लोगों को क्लास जब खत्म होगी तो क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आप लोगों को चैनल पे जाकर के, या फिर इसके जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। 30 क्वेश्चन है करीब, मैंने बनाया है 30 क्वेश्चन, और ये 30 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं जो अभी हम लोगों ने तीन वॉल्यूम्स में पढ़ा। आज थर्ड वाले की बात करते हैं, तो थर्ड वाला किस पर बेस्ड था? ये थर्ड वाला बेस्ड था स्ट्रॉन्ग विश या इमेजिनेशन। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग विश या इमेजिनेशन, एक तरह से ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है, इसमें इच्छा जाहिर की जाती है। तो आज वाले में और कल वाले में थोड़ा सा एक मैचिंग करा के दिखाते हैं कि थोड़ा डिफरेंस किस तरह का होगा। जब दोनों सेंटेंस सामने लिखे होंगे तभी ये डिफरेंस क्लियर हो पाएगा। चलिए, तो एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं कल वाले का, वो था कि इफ यू फॉलो माई एडवाइस, इफ यू फॉलो माई एडवाइस। अच्छा, दूसरा सेंटेंस आज वाले का है, जैसे लिखा हो, मान लीजिए ये सेंटेंस कुछ इस तरह का है, वुड दैट आई वर योर क्लासमेट। ये सेंटेंस ये है, ठीक है। तो पहले वाले पे मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, दूसरे वाले में हमने फुल स्टॉप लगा दिया है, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस को अभी एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो पहला सेंटेंस देखिए, लिखा इफ यू फॉलो माई एडवाइस, इसकी हिंदी में ही क्या होगी? अगर आप मेरी सलाह को मानते हैं, तो अगर आप मेरी सलाह को मानते हैं, इफ यू फॉलो माई एडवाइस, तो क्या ये सेंटेंस पूरा हो गया? अब क्या हम यहाँ फुल स्टॉप लगा सकते हैं? मीनिंग फिर से एक बार सोचिएगा कि इफ यू फॉलो माई एडवाइस मतलब क्या? अगर आप मेरी सलाह को मानते हैं, तो अगर आप मेरी सलाह को मानते हैं, ये सेंटेंस क्या अधूरा अधूरा सा नहीं लग रहा? अगर आप मेरी सलाह को मानते हैं, आगे क्या कुछ अधूरा सा, अधूरापन सा लग रहा है सेंटेंस में, इसे पूरा करना होगा, ये सेंटेंस अधूरा है। तो यही कंडीशनल की शर्त होती है कि कंडीशनल एक क्लॉज में अधूरा होगा। अगर किसी सेंटेंस में एक शर्त लगी होगी तो उसे उसके आगे शर्त को मानने का परिणाम जरूर आना चाहिए। यहाँ एक अधूरापन सा है। अधूरापन सा क्या है कि अगर आप मेरी सलाह मानते हैं तो आगे यही होगा कि आपके पक्ष में कुछ अच्छा होगा। तो आपके पक्ष में अच्छा होगा तो ये क्या हो सकता है?
जैसे हम कहें कि अगर आप मेरी सलाह मानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यू कैन गेट सक्सेस। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया। तो कंडीशनल की यही खासियत होती है कि ये अधूरा नहीं हो सकता, इसे आगे आप सेंटेंस लिख के पूरा करना पड़ेगा। मतलब कंडीशनल में दो सेंटेंस होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे वाले पर, आठ वाले पर, जिसमें स्ट्रांग विश है, जिसमें लिखा वुड दैट। वुड दैट का मतलब हुआ काश, काश एक अधूरी इच्छा को पूरा करता है। अब ये एक अधूरी इच्छा को व्यक्त करता है, तो अधूरी इच्छा को व्यक्त करने का मतलब इसमें आगे कोई शर्त नहीं लगी होती कि तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ होना था वो अधूरा रह गया, उसी को एक्सप्रेस करते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर में। वुड दैट आई वर योर क्लासमेट, मतलब कह रहे हैं काश मैं तुम्हारा क्लासमेट होता। होगी कोई खास बात उनके क्लास में, तो अगर कोई ये कहता है कि काश मैं तुम्हारा क्लासमेट होता, मतलब ये एक इच्छा है जो दिल ही में रह गई, काश वो इच्छा पूरी हो जाती। मैं उनका क्लासमेट नहीं हूं और ये इच्छा होती है काश मैं उनका क्लासमेट होता, बस खत्म। तो आगे क्या होता ये लिखना जरूरी नहीं है, और अगर लिखना चाहें तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं उनका क्लासमेट होता तो मैं उनसे दोस्ती कर लेता, ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ प्लस एक सेंटेंस आने की गुंजाइश है पर जरूरी नहीं है। ऊपर वाले में आगे एक सेंटेंस आना जरूरी ही है, उसको आधा नहीं छोड़ सकते, इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें आगे ना लिखें तो भी सेंस कंप्लीट होता है, इसमें आगे ना लिखें तो सेंस कंप्लीट नहीं होता। ये कल वाले कंडीशनल का और आज वाले कंडीशनल का डिफरेंस है। अच्छा, इस वाले कंडीशनल में तो कैन भी लग सकता है, अगर ये पास्ट में हुआ तो कुड भी लग सकता है, अगर ये परफेक्ट में हुआ तो यहाँ कुड हैव भी हो सकता है। लेकिन इस वाले में जिसमें वुड दैट लगा होता है, इस वाले में अगर आपको यहाँ सेंटेंस आगे बढ़ाना है तो फिलहाल इसमें विल कैन की कैटेगरी तो नहीं लगेगी। ठीक, तो फिर बताइए वुड कुड की कैटेगरी लगेगी या नहीं लगेगी, या फिर वुड हैव की कैटेगरी लगेगी यहाँ, तो इनमें से क्या हो सकता है? हो ये सकता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस इमेजिनेटिव होगा तो इमेजिनेटिव सेंटेंस के साथ विल और कैन वाला नहीं होगा, वुड हैव कुड हैव वाला नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा? वुड वाला। वुड वाला जरूरी नहीं है, ये उस कंडीशन में होगा अगर हम वुड दैट वाली जो अधूरी इच्छा की बात रह गई है उसको आगे बढ़ाते हैं। इनकेस यू कैरी आउट द अनफुलफिल्ड डिजायर विच यू हैव एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट क्लास, इफ यू कैरी आउट द फीलिंग, इफ यू एक्सप्रेस द फीलिंग, देन यू विल फॉलो योर सेंटेंस विद वुड कुड और माइट। यू कैन नॉट यूज विल कैन और वुड हैव कुड हैव। ठीक है, तो अब आप मुझे लग रहा है समझ गए होंगे। तो हम सेंटेंस को बनाते हैं और उस सेंटेंस पे या इस तरह की ग्रामर पे क्या एग्जाम में किस तरह की गड़बड़ी पूछ सकते हैं, किस तरह की कमी पूछ सकते हैं, ये तो हो गया आपका जानना। अब ये होता है कि थ्योरी, किसी को तीर चलाने की थ्योरी पढ़ा दो तो वो तीर एक्चुअली में चला नहीं देगा, तो निशाना यहां लगाना है। क्लास में तीर चलाने की थ्योरी पढ़ के आप निशाना लगा नहीं पाएंगे, तो आइए चलते हैं निशाना यहाँ लगाते हैं। अब ये निशाना लगाएंगे तो इस निशाने को लगाने के लिए एक बार फिर से उन तीरों की देखभाल कर ली जाए जिन तीरों को लेके आप मैदान में उतरने वाले हैं। तो वो जो तीर आप लेके मैदान में उतर रहे हैं वो तीर आज कौन से हैं? इसमें एक तीर है इफ, दूसरा तीर क्या था? दूसरा तीर था ओ दैट, ओ दैट और वुड दैट। तीसरा तीर क्या था? ओ फार, ओ फार। एक तीर और था जिसमें था इफ ओनली, केवल इफ है, इसमें इफ ओनली है। इस वाले इफ का मतलब क्या होगा? यदि। और इस वाले इफ का, इफ ओनली का मतलब क्या होगा? काश। और एक चौथा क्या तीर था? आई विश या
आई विश्ड। और एक होता है सपोज या सपोजिंग दैट, सपोज या सपोजिंग दैट। इतना ही था या कुछ और लिखे थे कल? तो अगर एक आध छूटा होगा तो वो आप लोग सोच लीजिएगा कि कल कोई और था क्या इसके अलावा। मुझे लग रहा है कि एक चीज और लिखे थे हम कल, और वो था एज इफ या एज दो। ठीक है, एज इफ या एज दो, यही तीन चीजें कल हम लोगों ने इसमें पढ़ी थी। ठीक है, ये इफ हो गया यदि के लिए। ये इतने हम लोगों ने किस लिए लिखे थे? ये इतने थे हाले दिल बयां करने के लिए, और ये था एक्सप्रेशन कास, और ये सपोज क्या था? सपोज का मतलब था मानो, मान लो, ऐसा लगता है कि, और एज इफ का मतलब होता है मानो कि, एज दो ये लगाने पे। ठीक है, ये इतने हैं। तो इनके साथ एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, इन सब के साथ जो सेंटेंस होगा वो स्ट्रिक्टली पास्ट इंडेफिनिट में होगा, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट, नो मैटर वेदर सिंगुलर और प्लूरल, यू आर गोइंग टू यूज ओनली वर्ब। आप इसके साथ कभी प्रेजेंट का मतलब इज एम आर का भूलकर भी प्रयोग नहीं करेंगे, और पास्ट में भी वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा वर्ब लगता है, और ये वर्ब सिंगुलर और प्लूरल हर तरह के सब्जेक्ट के साथ लगता है। यही एक ऐसी कंडीशन है जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट फेल हो जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़ा है? सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। लेकिन यहां तो कहानी ऐसी है कि ही के साथ भी वाज नहीं लगता। ये एक ऐसी कहानी है, यही एक ऐसी जगह है जब ही के साथ वाज नहीं लगता, ही के साथ वर लगता है। ठीक है, तो ये बात हम समझ में आपकी आ ही गई होगी। और इसके बाद अगर सेंटेंस कंटिन्यू किया जाता है तो उस वाले फॉलोइंग सेंटेंस में हम क्या पैटर्न यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट वाला पैटर्न, यानी कि वुड होगा, कुड होगा या माइट होगा। ना तो विल सेल का प्रयोग करेंगे और ना ही वुड हैव कुड हैव का प्रयोग करेंगे। ये बात हम आई थिंक दो बार बता चुके आप लोगों को, इससे ज्यादा बार बताने की मेरी इच्छा नहीं है और मुझे लगता है कि आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं। पहले इनमें से थोड़े सेंटेंस बना लेंगे, फिर आई विश और आई विश्ड के डिफरेंस को क्लियर कर लेंगे, फिर एज इफ का प्रयोग कर लेंगे, एज दो का प्रयोग कर लेंगे। आज की क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी सी होगी। सपोज और सपोजिंग दैट के साथ जो एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है वो ये है कि सपोज या सपोजिंग के साथ इफ भी लगा देते हैं, या कभी कभी इन केस के साथ इफ लगा देते हैं, तो सुपरफ्लुअस होने की गुंजाइश इसमें पर्याप्त बनी रहती है। तो एरर आपकी इसमें से सुपरफ्लुअस की भी हो सकती है और टेंस की भी हो सकती है। ठीक, तो हम इसको मिटा के अपने क्वेश्चंस पे आए। चलिए, आइए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें एक था इफ वाला, इफ वाले सेंटेंस हम एक बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं इफ सी, इफ सी वाज आई। इफ सी वाज आई का मतलब क्या हुआ कि अगर वो मेरी जगह होती, अगर वो मैं होती, मतलब दो लोग हैं, वो है और मैं हूं, मैं जिस जगह पे हूं अगर उस जगह पर वो होती, तो आगे लिखा होगा ऐसे, तो सी वुड सस्पेंड यू। ठीक, ये सेंटेंस बताओ। अब ये सेंटेंस में एरर क्या है? एरर आप सोच रहे होंगे ये वुड एक जगह है वीक पॉइंट और एक वाज वीक पॉइंट है, तो जनरली तो आपको ये लगेगा कि इफ के साथ सी लगा है और वाज लगा है, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, वाज पास्ट में है और वुड विल की सेकेंड फॉर्म है, ये भी आपको ठीक लगा, लेकिन सारी गलती कहां है? यही है, यहां वाज के साथ
वर लगाना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, ये इमेजिनेटरी सेंटेंस है जिसमें हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर मेरी जगह वो होती तो, मतलब अगर वो मेरी जगह होती तो वो क्या करती। ठीक है, तो इसमें यहां आपको एरर मिल गई। और इसका अगर दूसरे तरह का क्वेश्चन, मान लीजिए यहां का सेंटेंस पूछ रहे होते तो यहां पर लगा होता वर्ब पहले से ही लगा होता, अगर पहले से लगा होता तो यहां आपसे गलती होने के पर्याप्त चांस थे। अब मान लीजिए इस वुड की जगह पर विल लिखा हो, तो अगर विल लिखा होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये तो वर्ब के साथ विल लगना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ वुड हैव लगा होता, मान लीजिए यहाँ वुड हैव लगा होता, तब क्या होता, वुड हैव सस्पेंडेड ऐसे लिखा होता, तब सेंटेंस क्या गलत होता, ये हैव ना लगता और सस्पेंडेड का ईडी ना लगता, तब इस जगह पर लगना क्या चाहिए था, सी वुड सस्पेंड यू। ठीक, तो ये इफ वाला पैटर्न मेरी समझ से आप समझ गए होंगे। दूसरा, ओ दैट का या इस तरह का कोई सेंटेंस ले लेते हैं, तो उसमें भी सेम यही कहानी है। जैसे कहीं लिखा हो ओ दैट सी इज माय नेबर, ओ दैट सी इज माय नेबर, काश वो मेरी पड़ोसन होती। तो काश वो मेरी पड़ोसन होती, ओ दैट के बाद जो सी दिखा है, सी के साथ क्या होगा, यहां पर वाज नहीं, यहां पर होगा वर्ब। क्यों होगा, क्यों, ये वो आपकी पड़ोसन है नहीं, आप अपने मन में कल्पना कर रहे हैं कि काश ऐसा होता। तो ऐसी कंडीशंस में जब हम इमेजिनेशन करते हैं तो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हो या प्लूरल हम एज एम आर या वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एक पूरी की पूरी कैटेगरी इस तरह की हो गई जो एरर आती है। अब हम इसमें दूसरे तरह के एरर्स पर चल रहे हैं, मतलब ओ दैट का और इफ वाली कैटेगरी का हुआ। अब आते हैं किस पर, आई विश पर। तो आई विश एक अलग तरह की गलती करवाएगा आपसे। ठीक है, तो एक सेंटेंस है हमारा आई विश से शुरू होने वाला और एक सेंटेंस है हमारा आई विश से शुरू होने वाला। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आई विश के साथ जो सेंटेंस शुरू होता है, इसमें हम जो एक्सप्रेशन है इच्छा का, वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और जो आई विश्ड के साथ हमारा सेंटेंस शुरू होगा उसमें इच्छा का एक्सप्रेशन जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। नीचे एक सेंटेंस लेते हैं, अगर ऐसे सेंटेंस हो I wish I am a millionaire। आप लोगों को चिड़िया चहकने की आवाज आ रही होगी, यही एक चिड़िया है जो हमारे साथ साथ उठती है और हमारे साथ साथ मैं यहाँ पढ़ा रहा होता हूँ, वो बाहर उसमें खंभे पे, मतलब जो खंभे से तार खींचे हुए हैं, तार के ऊपर बैठ के जब तक मैं पढ़ाता हूं तब तक चकचकाती रहती है, उसकी आवाज आपको बीच बीच में कभी कभी वीडियो में सुनाई देगी। वो मेरे साथी है भाई, आप लोग उसे छुड़िएगा नहीं, मेरे साथ ही उठती है। इफ आई विश्ड आई वर अ मिलियनेयर, आई विश्ड आई वर अ मिलियनेयर। ठीक है, आइए इन दोनों में क्या गलती है, अब बहुत ध्यान दीजिएगा आप विश और विश्ड पर। विश क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और विश्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिर्फ इतनी वजह से ये वाला सेंटेंस आई विश जो प्रेजेंट में है, इसकी वजह से एम नहीं होगा, एम की जगह वर्ब होगा। वैसे आई के साथ वाज लगता है लेकिन ये विशेष कंडीशन है, इसलिए आई के साथ वाज नहीं वर्ब लगा। अब ये वाला सिचुएशन देखिए, जब विश्ड लगा हो तो इस विश्ड के साथ वर्ब नहीं होगा, तब यहां हो जाएगा हैड बीन, ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट में हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और बीन क्या है, इस बी की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक,
तो एक चीज ये आपको समझानी थी, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपके सामने एग्जाम में आ जाए तो फिर आप इसको इस ढंग से सही कर लीजिएगा। अब विश्व के अलावा एक था एज इफ और एज दो, तो एज और एज इफ और एज दो को भी क्लियर कर दें, क्योंकि ये छोटे 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 राउट्स हैं जो कभी एग्जाम में अगर मिल गए तो फिर आपके एक नंबर कत्ल कर देंगे। और आप समझ रहे होंगे एक नंबर का कत्ल होना एग्जाम में बहुत मायने रखता है। अब हम एज इफ और एज दो को क्लियर कर रहे हैं, तो एक पहले एग्जाम्पल दे दें फिर आपको उससे रिलेटेड रूल्स बता देंगे। तो एग्जाम्पल ऐसे है कि जैसे मान लो ये लिखा हो कि ये लिखा कि ही कमांड्स मी, कमांड्स का मतलब क्या होगा, किसी के ऊपर अधिकार जताना। ही कमांड्स मी, वो मेरे ऊपर ऐसे हक जताता है एज इफ और एज दो, कुछ भी लगाइए एज इफ एज दो का एक ही मतलब होता है। ही कमांड्स मी एज इफ ही इज माय बॉस, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है कि ही लव्ड मी एज इफ, अब एज इफ लिखिए या फिर एज दो लिखिए, इसमें कोई अंतर नहीं है। मान लो हम एज इफ लिख दें यहां पर और एज दो लिख दें यहां पर, तो कभी कभी क्लास में स्टूडेंट्स ने ऐसे सवाल किए हैं, पहले लाख बताए रहे कि एज इफ और एज दो का मतलब होता है मानो कि, लेकिन अगर मैं यहाँ एज इफ लिख दूं या एज दो लिख दूं तो उनके दिमाग में ये आ जाता है कि ये एज इफ वाला पैटर्न है और एज दो वाले में कोई और पैटर्न होता है, इसलिए मैंने दोनों को लिखा है। और यहां लिखा मैंने ही वर माय बॉस, सॉरी बॉस नहीं, ही वर माय फादर, ठीक है। आते हैं एज इफ और एज दो दोनों में लगा हुआ है, एज इफ और एज दो में कोई अंतर नहीं है, ठीक। अब ये मैं सोचिएगा कि उसमें एज इफ था इसमें एज दो था, दोनों में ही वही है, यहां कोई गलती नहीं है। और इन दोनों का मतलब हुआ मानो कि, हिंदी का उत्प्रेक्षा अलंकार सब लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये देखिए कि कमांड्स लिखा है, कमांड्स क्या है, वर्ब में एस लगा हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये क्या लिखा है, लव्ड, लव्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्लियर। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। तो ये देखिए कि एज इफ एज दो के पहले वाले सेंटेंस में अगर प्रेजेंट है या पास्ट है तो उसका आने वाले सेंटेंस पर या नेक्स्ट सेंटेंस पर कैसा असर पड़ता है, तो इस असर को बताने के लिए हमें बोर्ड को सुविधाजनक बनाना पड़ेगा, और सुविधाजनक बनाने में किसी को रास्ते से हटाना भी पड़ता है कभी कभी, ठीक है। आइए, ये प्रेजेंट है तो इसके प्रेजेंट में होने का इस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर असर ये पड़ेगा कि इस इज की जगह वर होगा, ऐसा वाज नहीं होगा, ये बात तो पहले ही हो चुकी है, ठीक है। इसका पास्ट में होने का इस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर असर ये पड़ेगा कि ये जो वर है उसकी जगह हो जाना चाहिए हैड बीन, ठीक है। तो दो ऐसी वर्ब्स मिली हमको यहाँ पर, दो ऐसे टेंस मिले, किसके किसके साथ, एक एज इफ एज दो के साथ मिला और एक आई विश के साथ मिला। इन दोनों के साथ थोड़ी सी सावधानी थोड़ी सतर्कता की जरूरत है। कौन कौन से मिले एक बार फिर समराइज कर लेते हैं, एक था आई विश और वर्सेस विश्ड, ठीक, और दूसरा है एज इफ और एज दो में, इनमें आई विश के साथ नेक्स्ट सेंटेंस में वर्ब लगा था पास्ट इंडेफिनिट, आई विश के साथ नेक्स्ट सेंटेंस में क्या होगा, क्या हुआ था, पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड बीन, विश में वर्ब लगेगा और विश में हैड बीन। एज इफ एज दो इनके साथ अगर पहले प्रेजेंट है तो इसके बाद वर्ब लगना है, अगर इसके पहले पास्ट है
तो इनके बाद क्या लगेगा, हैड बीन, जो यहां देखने में आ रहा है। ठीक है, एज इफ एज दो के पहले प्रेजेंट है तो वर लगा है, इसके पहले ये पास्ट है तो यहाँ हैड बीन लगा। विश और विश्ड वाला थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, दोनों को एक साथ मिला के देख लीजिएगा। तो ये हमारा इमेजिनेशन वाला जो था कंडीशनल, ये हमारा पूरा हुआ। अब इसके साथ हमें थोड़ी सावधानी क्या रखनी है वो हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, केवल इसी से रिलेटेड नहीं है, पूरे कंडीशनल से रिलेटेड है। एक जाते जाते जो उपसंहार कहते हैं, और अब ये भी समझते हैं कि उपसंहार या कंक्लूजन कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक बात जो सपोज के साथ देखने में हमें आए प्रीवियस पेपर्स को डिस्कस करने में, वो ऐसा था कि सपोज या सपोजिंग के साथ अक्सर हमें इफ देखने को मिला। जैसे कहीं लिखा होता है सपोजिंग इफ यू वर एब्सेंट, जैसे कहते हैं कि मान लीजिए यदि आप एब्सेंट हो। तो चूंकि हिंदी में हम लोग ऐसा बोल लेते हैं और अंग्रेजी को हम लोग करेक्ट और इनकरेक्ट अक्सर इस पैरामीटर पर देखते हैं कि जब हम अंग्रेजी के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और उसका हिंदी ट्रांसलेशन सही निकल आता है तो हम सोचते हैं कि हमारा सेंटेंस अंग्रेजी वाला करेक्ट है। भैया ये पैरामीटर गलत है, हिंदी की ग्रामर अलग है, अंग्रेजी की ग्रामर अलग है। कोई वाक्य हिंदी में सही है, मतलब अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने पर अगर वो सेंटेंस सही है तो दैट डज नॉट मीन कि द सेंटेंस इन इंग्लिश इज आल्सो करेक्ट। हिंदी और अंग्रेजी की ग्रामर अलग है, हिंदी के रूल दूसरे हैं, अंग्रेजी के दूसरे हैं। तो हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको करेक्ट करने का पैरामीटर आप लोग बदल दीजिए, बड़े हो गए हैं और बड़ों की तरह भी हेल्प कीजिए। तो हिंदी में अगर बोला जाए कि मान लीजिए यदि आप वहां एब्सेंट हो, तो हिंदी में ये ठीक लग सकता है, किंतु अंग्रेजी में सपोजिंग और इफ दोनों नहीं लगते। या तो सपोजिंग लगा दीजिए या तो इफ लगा दीजिए। अच्छा, अब ये सोचिए कि आपने कहा कि इफ लगा तो यहां पे इफ सही होता और सपोजिंग ही काट देते तो क्या गलत था? भाई पहले सपोजिंग लगा था तो बाद में गलती किसने की थी? इफ ने ही गलती की है। अगर ये लगा था तो इसको नहीं आना चाहिए था, पहले इफ लगा होता तो जो बाद में आता वो गलत होता, तो गलती बाद वाले ने की है, पहले वाले ने नहीं की है। एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे होता है, और कभी कभी मुझे आपके एग्जाम में ही, प्रीवियस पेपर्स में ही कई बार ये देखने को मिला है इनकेस इफ। ठीक है, इनकेस इफ इट रेन्स, तो यू विल मिस योर ट्रेन। इन केस इफ इट रेन्स यू विल मिस योर ट्रेन। ठीक है, आइए फिर वही बात आई, इन केस और इफ दोनों कंजंक्शंस लगे हैं, ये भी कंडीशनल है ये भी कंडीशनल है, तो दो दो नहीं लगेंगे, इसे कहते हैं सुपरफ्लूअस का नियम। तो इन केस के साथ इफ नहीं लगा सकते हैं। दो इस तरह की बड़ी बड़ी गलतियां देखने को मुझे मिली हैं, अक्सर ये मिल जाएगा आपको प्रीवियस पेपर में अगर कंडीशनल का सेंटेंस है तो। तो मुझे लगता है कि पिछले तीन चार जो एरर वाला सेक्शन हम लोगों ने किया था डिस्कशन, उसमें इस तरह की गलतियां ढेर सारी मिली होंगी, और अगर फिर से चेक करना हो तो आप, लेकिन अब कितना वीडियो रिवाइज करके देखेंगे। हाँ, एक तरीका और है कि आपके पास वो जो मैंने पीडीएफ भेजा था, उस पीडीएफ में कंडीशनल्स के सेंटेंस आप ढूंढ लीजिए। ढूंढने के बाद अब इतना तो याद ही होगा ना कि इसमें क्या करेक्शन कराया गया था, और नहीं भी याद होगा तो उतना पे वीडियो पहुंचा के आप देख लीजिएगा फिर से। तो अगर पीडीएफ हो तो उसमें चेक कर लीजिए कौन कौन से कंडीशनल्स के एरर थी, बड़ा फायदा होगा आप, लेकिन ये काम तब करिएगा जब फुर्सत में हो। ठीक है, तो कंडीशनल्स हमारे अब यहाँ पे समाप्त हुए, और जब अब ये क्लास समाप्त होगी तो मुझे उम्मीद है कि जिस दिन अपलोड होता होगा आप लोग उसी दिन देखते होंगे, ये सोचकर मैं कह रहा हूं कि जब आपकी क्लास समाप्त होगी, इस उम्मीद के साथ कि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप लोग तुरंत देखते हैं।
अब हमें कैसे पता करना, देखते हैं जब तक आप उपस्थिति नहीं लगाएंगे आपकी अटेंडेंस कैसे लगती है। जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं तो हम जान जाते हैं कि आपने देख लिया, अदरवाइज तो पता नहीं चलता। हाँ व्यूज में आ जाता है कि व्यूज आप मान लीजिए 150-200 हो गया तो ये लगता है कि 150-200 लोगों ने वीडियो देखा, लेकिन 150-200 लोगों ने पूरा पूरा वीडियो देखा ये तो नहीं समझ में आता। जब कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं तो समझ में आता है कि हाँ लगता है अंदर के क्वेश्चंस भी देखे हैं इन्होंने, कुछ कमेंट्स से लगता है कि पूरा वीडियो देखा गया। तो जैसे ही उसमें कमेंट्स आ जाते हैं तो मुझे लग जाता है कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया। तो जब आपने वीडियो देख लिया तो आपको होमवर्क चाहिए, होमवर्क बना चुके हैं आपका 30 क्वेश्चंस हैं, वो 30 क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए। और अगर और बढ़िया मेरी उम्मीदें पूरी करना चाहते हैं तो एक रफ पे आप अपने आंसर से लिख के फोटो खींच के मुझे भेज दीजिएगा, मुझे लगेगा आपने होमवर्क सबमिट कर दिया है। तो उसके बाद मैं इसका डिस्कशन जो 30 क्वेश्चंस कंडीशनल्स के हैं उनके डिस्कशन का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कई वादे फेल हो गए, ठीक है थोड़ा देर हो जाती है लेकिन वादे फेल नहीं होंगे। तो ये हो गया आपका कंडीशनल और कंडीशनल खत्म हो गया। अब हम अगली वीडियो जो है वो सोच रहे हैं कि कई क्वेश्चंस इस तरह के देखने को मिल रहे जिसमें आ और एन लगाने से संबंधित कुछ गलतियां मिल रही हैं। तो आ और एन लगाने से संबंधित कुछ गलतियां मिल रही हैं तो सोच रहा हूं कभी आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, आर्टिकल ना पढ़ा के आ और एन के बीच का डिफरेंस एक दिन बता देते हैं, शायद कल वल में आ एन का डिफरेंस बता दें। उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि रेगुलर बेसिस पर ग्रामर स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसे वही सारे पार्ट ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये सब पूरा खत्म करते हैं, उसके बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी चीजें खत्म करते हैं, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं ये बताना और रीअरेंजमेंट वगैरह। तो पूरी की पूरी क्लास एक तरफ से एक और से खत्म करने की सोच रहे हैं, तो लग रहा है शुरू कर दें। एक आध दो दिन का ये सब जो है थोड़ा देख लें वीडियो वीडियो में कुछ उड़ी। हाँ आप लोगों से कहा था कि अगर वीडियो में कुछ आपको गड़बड़ी वड़बड़ी लग रही है, कुछ ऐसी चीज लग रही है, अगर आप सुझाव देना चाहते हैं कि सर ये कर लीजिए वो कर लीजिए ऐसा कुछ, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पता नहीं, मुझे इन सब चीजों का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, किसी तरह से थोड़ा थोड़ा आउटफिट लगा होगा कि किसी तरह टाम झाम करके आप लोगों को पढ़ाने भर का बना दिया, आप तो ऐसे ही पता चल जाता होगा कि मतलब जब मैं वीडियो शुरू करता हूं और जब खत्म होता है तब तक हमारी शक्ल देखते रहिए तो डिफरेंस नजर आ जाएगा। शुरुआत करता हूं तो बड़ी ही मतलब डार्क होता है, उसके बाद जैसे ही सूरज धीरे धीरे ऊपर आता है और खिड़की से थोड़ी धूप ज्यादा आती है तो थोड़ा थोड़ा चेहरा ठीक दिखाई देने लगता है, आपको बोर्ड भी ठीक दिखाई देने लगता होगा। सोचिए कि एक घंटे की वीडियो हमारे चेहरे के 3 कलर कैसे नजर आते होंगे, तो वो सब उतना सिस्टम नहीं है, पूरब की ओर जो खिड़की है उधर से थोड़ी धूप आती है तो थोड़ा चेहरा साफ नजर आने लगता है। ठीक है, तो ये सब सिस्टम है। अगर इसके सेटअप में कोई चेंज आप करवा सकते हो खाली मुझे मैसेज करके तो मैं वो कोशिश करके देख लूंगा, अगर वीडियो की क्वालिटी और अच्छी हो सकती है तो आपके सुझाव हम इंतजार करेंगे। चलिए ठीक है, फिर ये क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं और अगली क्लास हम आर्टिकल में आ एन के डिफरेंस को लेकर के आएंगे और उसके आगे की क्लासों में आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। हम कहां से क्लासेस शुरू करें, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब जहां से आप लोग जानते होंगे, ज्यादा लोगों की जो राय होगी जो मत होगी वहीं से स्टार्ट कर दें। ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि मैं उस राय का पहले मूल्यांकन करूंगा कि मेरे विचार से वो राय उचित है, कहां से हमें शुरू करना चाहिए, लेकिन आप लोगों की राय देंगे जरूर शुरू करने के पहले, तो उम्मीद करेंगे आप लोग मुझे राय देंगे। और ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।